national capital that claimed life of three UPSC aspirants. Delhi's Rajendra Nagar, which is known for its plethora of coaching centers for preparing the UPSC aspirants, is witnessing one of the most outrageous protests as students continue to sit on hunger strike demanding justice and accountability over the death of their three fellow aspirants who lost their lives due to flooding in the basement of Rao's coaching center on Sunday. As protest intensified, the Delhi police detained several students and were taken to meet the MCD commissioner. इस वक्त हम ओल्ड राजेंद्र नगर में मौजूद हैं, जहां पर कोचिंग सेंटर के बाहर पिछले पांच दिनों से यूपीएससी के एस्पिरेंट्स जो हैं यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कल से ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे, क्योंकि इनकी मांग थी कि ऑफिशियल्स इनसे मिलने आए, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से, चाहे एमसीडी से, दिल्ली सरकार के कोई मंत्री इनसे मिलने आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद ये तमाम सारे जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं कल से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए। इनकी कुछ मांगे हैं कि परिवार को 5 करोड़ का कॉम्पनसेशन दिया जाए। इसके साथ ही जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि मौत के आंकड़े छुपाए गए हैं, तमाम सारी मांगे हैं जो पूरी नहीं की जाती है, तब तक वो यहीं पर बैठे रहेंगे। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर तमाम पोस्टर्स आपको नजर आ रहे होंगे। जब तक कोई ऑफिशियल यहां पे आके हम लोगों से मिलता नहीं है, हम लोगों की डिमांड नहीं सुनते, तब तक हम लोग यहां से नहीं हटेंगे और हम लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे रहेंगे। तो ये टोटली अटेम्प्ट टू मर्डर है, ये ऐसा नहीं है कि नॉन कंसेंसुअल क्राइम है, ये टोटली अटेम्प्ट टू मर्डर है। हमारी मांग ये है कि यहां दिल्ली का एलजी आए और दिल्ली के एलजी छात्रों की बात सुने, हमें लिखित में ये दें, आश्वासन दें और एक टाइमलाइन भी दें। हम लोगों ने तो कल 3 बजे से ही हंगर स्ट्राइक रखा है, हमने 3 बजे से पानी तक नहीं पिया और अभी तक हमारी यही डिमांड है कि अगर एलजी आएंगे तो हम अपनी स्ट्राइक तोड़ेंगे, बट स्टिल अभी तक हमें कोई इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई है। यूपीएससी छात्रों की मौत के बाद से फिलहाल प्रोटेस्ट को हटाने की कोशिश दिल्ली के पुलिस द्वारा की जा रही है। तस्वीरें हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ बच्चे हैं जिन्हें बैरिगेड्स पर रोकने की कोशिश की जा रही थी, जो कि जो शेष बच्चे बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट पर उनका साथ देने के लिए अंदर आना चाहते थे, लेकिन उन्हें पुलिस द्वारा, देख सकते हैं आपकी तस्वीरों में, अंदर ले जाया जा रहा है। पुलिस वैन में जबरदस्ती उन्हें बिठाया गया है। ये तस्वीरें डिटेंशन की तरह है, लेकिन छात्रों का इल्जाम है कि इन्हें जबरन हटाया जा रहा है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार जो है वो इनसे छीना जा रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो पुलिस की सुरक्षा है वो आप देख सकते हैं कि अब तक जो थे वो बच्चे अपनी सहमति के साथ आगे बढ़ रहे थे और यहां पर एक संदेश देते हुए आगे जा रहे हैं कि किस तरीके से तस्वीर बदल रही है। अब छात्रों को जबरन यहां से ले जाया जा रहा है एमसीडी कमिश्नर के पास या अन्य लोगों के पास, ये देखने वाली बात होगी। As demand for accountability grows, Delhi Minister Atishi briefed the media and put the blame on MCD. The AAP Neta said that waterlogging took place due to illegal basements and the junior engineer who was responsible for drainage in the area and to ensure there was no encroachment failed to do his job, for which he was terminated. जो बाकी inquiry report है, वो अभी 7 दिन में आएगी, लेकिन preliminary inquiry report के आधार पर ही MCD ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले जो जेई जिम्मेदार थे वहां पे ड्रेन की मेंटेनेंस के लिए, जिनकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि ड्रेन पर इंक्रोचमेंट ना हो, उस जेई पर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई और उसको एमसीडी से टर्मिनेट कर दिया गया है। जो एई थे असिस्टेंट इंजीनियर, उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। Amid public fury and demand for accountability, Times Now confronted the MCD Commissioner Ashwini Kumar and additional commissioner. Both of them evaded our questions. We will want to have an answer from you, sir. Sir, there are three dead bitches happened. Ashwini sir, there are three dead bitches happened. And the report we have also seen, sir. Mr. Kumar, any comment from the MCD side? Because the people want to know who is responsible for it, sir. Mr. Kumar, there you saw Ashwini Kumar subtly not at all talking to the serious question that he wanted to ask. It was a very well-known fact that he will not speak, because the manner in which these things have been highlighted, the manner in which Ashwini Kumar department, MCD, has been held responsible for these kind of deaths, certainly this response was quite acceptable or expected from his side. But the fact of the matter is that they are running away. They are not giving answers to the clear-cut questions. What
is forcing them not to reply to those public to whom they are serving is a big question. Will you take some responsibility for what has happened? At least take some responsibility. Now, on the back foot, Aam Aadmi Party also made a significant announcement today. Minister Atishi said that the Delhi government will introduce a law to regulate coaching institutes. She also said a committee will be formed to draft this law, which will include officials, students and representatives from coaching institutes. इस एक्ट को बनाया जाएगा, रेगुलेशंस को बनाया जाएगा. हमारा ये मानना है कि ऐसा कानून ही एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है इस प्रकार की इलीगैलिटी और इस प्रकार की इररेगुलरिटी जो कोचिंग इंडस्ट्री में चल रही है, उसको एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दे. The Delhi High Court came down heavily as well on the city's municipal corporation during today's hearing and summoned the MCD commissioner tomorrow. The court also questioned selective crackdown on junior officials of MCD and also sought to know why no action against senior officials was taken. The Delhi High Court also took a swipe at the Aam Aadmi Party over its freebie culture. Now, under fire over the civic apathy and after the Delhi High Court's scathing observation, Aam Aadmi Party tries to shift responsibility as they have now appealed to the Prime Minister to form a joint committee of MPs from all parties, and this committee should meet students, parents and owners of coaching institutes, and this problem should be resolved. That's the demand, that's the appeal coming in from Aam Aadmi Party. Meanwhile, the BJP has hit back at AAP, says instead of taking accountability, they always resort to blame game. हम निवेदन करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी पहल करें, संसद के अंदर एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जाए सभी पार्टियों के सांसदों की, और वो कमेटी सभी छात्रों से, कोचिंग संस्थान के मालिकों से, जो गार्जियंस हैं उनका क्या दर्द है, गार्जियंस अभिभावकों को रख करके एक ज्वाइंट कमेटी बने, और वो इस देश के अंदर जो एक नई चुनौती इस बेरोजगारी के दौर में उभर करके आई है, इसका समाधान करे. हमें सड़क पर लड़ना पड़ेगा, तो सड़क पर लड़ेंगे देश दिल्ली के लोगों के लिए, लेकिन दिल्ली के लोगों को किसी भी कीमत पर परेशान नहीं होने देंगे. जिस प्रकार से पार्षद उनका, विधायक उनका, एमसीडी उनका, जल बोर्ड उनका, फायर सर्विसेज उनका, पीडब्ल्यूडी उनका, पर यह आम आदमी पार्टी निर्लज्जता से जिम्मेदारी का ठीकड़ा कहीं और फोड़ने की कोशिश करती है. बड़े बड़े दावे डी सिल्टिंग को लेकर किए गए थे, उन दावों का क्या हुआ? डी सिल्टिंग की फाइल पर कैसे कुंडली मारकर बैठे थे सौरभ भरद्वाज जी, वो भी सामने आ चुका है. हाई कोर्ट ने भी बताया है कि डी सिल्टिंग का काम नहीं हुआ. और जो अरविंद केजरीवाल ने लगातार 2015 से वादा किया था कि देखिए दिल्ली में हम लोग नया एक ड्रेनेज का मास्टर प्लान बनाएंगे, 2018 में एक मास्टर प्लान जब IIT दिल्ली ने सबमिट किया था, उसके बाद हमने देखा कि 2021 में उसको रिजेक्ट क्यों कर दिया सरकार ने. Bhavtosh is joining us on the broadcast with more details. Bhavtosh, apart from the political developments, the most significant developments happened at the High Court when the High Court came down heavily on both the cops and the MCD officials. Take us through what the court said, the observations. In the High Court, in fact, they said that why only a passerby was arrested and what was the point of arresting an SUV driver. In fact, repeatedly, the High Court, the Chief Justice Manmohan had said that where is the investigating officer, why did these violation of building bylaws were violated, continuously were violated by these illegal structure came up. At one point of time, exasperated, Chief Justice said that if the investigation is not being conducted properly, if it's not being carried out properly, then he has no option but to hand over the investigation to a central agency. He was hinting at handing over the investigation to Central Bureau of Investigation, and he not only wants to carry out the investigation by CBI, but he also wanted
the CBI to be in the, to in fact the entire investigation to be supervised by the agency like CVC or Lokpal. He was also angry at the fact that there was no one representing the fact, no one representing Delhi police. Sources within Delhi police had said that they will not take party to this entire investigation. They, in fact, were not present in the hearing. Now, remember, the seven accused have been arrested in this case, but what has been the most bizarre arrest as far as this case is concerned is the arrest of the SUV driver. His wife, in fact, spoke to us. She was, in fact, present on Times Now, and she, in fact, said that her husband was passing through or waiting through this waterlogged street. And he in fact was driving at a very low speed of around 15 kilometer. And despite that, he has been arrested. The order on this bail will be coming at 4 p.m. Other important point that Delhi High Court has said, in fact, asked MCD as well as Delhi government, is that he wants Yamuna at least to flow, at least people to show, to see that Yamuna is flowing in the area. And importantly, he said that illegal buildings, which are just one floor or one story buildings, they in fact, despite being feeling of such buildings over a period of time, they in fact become illegal structure of six stories. Right, Bhaktosh, thank you very much for taking us through the observations of the Delhi High Court. The MCD commissioner now has been summoned and will have to answer some questions.